नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज अपने यूट्यूब चैनल रेल मदद के माध्यम से आप सबका फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग जिस समस्या के बारे में बात करेंगे वो एक कॉमन समस्या है, हर कर्मचारियों की एक मूलभूत समस्या है। कोई भी कर्मचारी अगर कोई क्लेम करना चाहता है तो उसके सामने एक समस्या आती है, फॉर्म का, मैंने फॉर्म कहाँ से प्राप्त करें और फॉर्म को कैसे प्राप्त करके उसे भरें। मित्रों, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ सारा फॉर्म एक साथ अवेलेबल है, कर्मचारी अपने घर में बैठे हुए आराम से फॉर्म डाउनलोड करके और उसे भर सकता है, तथा अपने डिपो स्टेशन अथवा डिविजनल ऑफिस में उसे जमा कर सकता है। मित्रों, जो भी कर्मचारी डिवीजन से बाहर रहते हैं उन कर्मचारियों के लिए एक समस्या बन जाती है कि वो किसी भी काम के लिए डिविजनल ऑफिस आएं और वहां आके कोई फॉर्म लें और ले करके उसे भरवा करके फिर अपने डिपो में जाके जमा करें और फिर वहां से वो फॉरवर्ड होकर के हेडक्वार्टर में आए, फिर उस पर कोई कार्रवाई हो, तो इसमें बहुत सारा समय चला जाता है कर्मचारी का। और होता क्या है कि कर्मचारी का जो क्लेम है वो अगर टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो वो लैप्स हो जाता है। तो इसके लिए जो कर्मचारी है, अगर उन्हें सारा फॉर्म, चाहे वो टीए फॉर्म हो, लीव इनकैशमेंट फॉर्म हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए जो फॉर्म हो, या SBF से जो उन्हें फ़ंड मिलता है, अगर वो सारा फॉर्म उन्हें उनके घर पे मिल जाए तो एक बहुत बड़ी सहूलियत हो जाती है उन लोगों के लिए। और इस मामले में मैं सोलापुर डिवीज़न का विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि DRM सर और ADRM सर के निर्देशानुसार सीनियर DPO सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करवाया है जहाँ पे सारा फॉर्म वो एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप वहाँ उस साइट पर जा करके और कोई भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसे भर सकते हैं और भरने के बाद उसे अपने डिपो में दे सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और कर्मचारियों को बताना चाहूँगा कि कभी भी आप कोई भी फॉर्म अगर जमा करते हैं, कोई भी क्लेम जमा करते हैं, तो जहाँ पे भी आप जमा करते हैं, चाहे अपने डिपो में आप जमा करते हैं तो, अथवा डिविजनल ऑफिस में जमा करते हैं तो, उनका रिसीविंग जरूर लें। अगर डिपो में जमा कर रहे हैं तो डिपो में डिपो क्लर्क होते हैं, आप उसे अपना फॉर्म या जो भी क्लेम है उसे दे रहे हैं तो उनका एक रिसीविंग कॉपी जरूर अपने पास रखें। उसी प्रकार अगर आप डिविजनल ऑफिस में आकर कोई फॉर्म दे रहे हैं तो हर डिवीजन में एक डिस्पैच सेक्शन होता है, आप उस डिस्पैच सेक्शन में जा करके अपना क्लेम दें और उनका एक रिसीविंग जरूर रखें। होता क्या है कि कर्मचारी जो है वो अपने ग्रुप क्लर्क को अपना कोई क्लेम दे देता है और ग्रुप क्लर्क से उन्हें किसी प्रकार की पावती प्राप्त नहीं होती है, और ऐसे में अगर ग्रुप क्लर्क किसी काम की वजह से उसके क्लेम को उस पर कार्रवाई नहीं कर पाया अथवा वह भूल गया, तो ऐसे में कर्मचारी के पास अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए कोई प्रूफ नहीं रह पाता है, उसके पास कोई ऐसा कागजात नहीं रह जाता है जिससे वो अपने क्लेम को प्रूव कर पाए। इसलिए मेरा विशेष रूप से अनुरोध है सारे कर्मचारियों से कि कभी भी अगर वो किसी अपना क्लेम अगर देते हैं तो उनका रिसीविंग जरूर लें। मित्रों, आइए हम लोग देखते हैं कि वह कौन सा साइट है जहाँ पे कि सारे फॉर्म एक साथ अवेलेबल है। क्रोम में जाएंगे और क्रोम में जिस साइट पे हमें जाना है वो है cr.indianrailways.gov.in। ध्यान रखें, फिर से एक बार देखें, cr.indianrailways.gov.in। इस साइट को हम लोग ओपन करेंगे और ये ऐसा साइट खुलेगा सेंट्रल रेलवे का, जिसमें हमें अबाउट अस में जाना है, इसे क्लिक करना है। अबाउट अस में हम लोग डिवीज़न में जाएंगे, डिवीज़न को क्लिक करेंगे। डिवीज़न में सेंट्रल रेलवे के जो चारों डिवीज़न है प्लस हेडक्वार्टर, ये खुलेगा। इसमें हमें सोलापुर डिवीज़न में जाना है और सोलापुर डिवीज़न में हमें
जब साइट खुलेगा तो ये सोलापुर स्टेशन जो कि भारत के 10 सबसे सुंदर स्टेशनों में एक है उनका फोटो दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें सोलापुर डिवीजन के सर डिपार्टमेंट का साइट दिखेगा जिसे जिसमें हम लोगों को पर्सनल डिपार्टमेंट में जाना है। पर्सनल डिपार्टमेंट में जब हम खोलते हैं तो ये इस पे जो मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय सोलापुर का जो भव्य द्वार है तोरण द्वार है ये द्वार दिखेगा। यहाँ पे भारत सरकार संसदीय कार्य मंत्रालय का उद्देशिका जो है वो दिया हुआ है और साथ में इधर पर्सनल डिपार्टमेंट के वो सारे फीचर्स दिखेंगे जो हमें जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसमें ऑफिस ऑर्डर जितने भी 2020 से लेकर अभी तक जितने भी ऑफिस ऑर्डर इशू हुए हैं वो है जो कोई भी डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम होता है तो उसका जो आंसर की है वो दिया हुआ है। उम्मीद, रेस, गैलरीज, फोटो गैलरीज, नोटिफिकेशन, चेकलिस्ट, फॉर्म, सीनियरिटी सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। हमें इसमें जो फॉर्म है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें सारा फॉर्म जो लगभग 30 फॉर्म दिया हुआ है वो सारा फॉर्म यहाँ पे हमें मिल जाएगा, जिसमें सेटलमेंट फॉर्म, टीए फॉर्म, मेडिकल रिम्बर्समेंट फॉर्म सारे के सारे फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल हैं। अभी जो भी फॉर्म हम लोग लेना चाहते हैं यहाँ पे SBF से जुड़े हुए सारे फॉर्म हैं। हॉलिडे होम का भी फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल है। अगर कोई कर्मचारी हॉलिडे होम जाना चाहता है, कहीं घूमने जाना चाहता है तो वो हॉलिडे होम कैसे बुक करे, अथवा स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हॉलिडे होम है उसे कैसे बुक करें, इसके लिए स्टडी कीड़ा करके एक चैनल है, आप उसमें जा करके और वो बेनिफिट ले सकते हैं। मैं भी उसका सब्सक्राइबर हूँ, आप भी उसका सब्सक्राइबर बने और जो भी बेनिफिट है आप उस वहाँ पे सब कुछ आपको बताया जाएगा, बताया गया है। तो ये फॉर्म हमें यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम किसी फॉर्म को अगर मान लीजिए देखना है, डाउनलोड करना है तो व्यू में जाना है। जैसे हमें टीए फॉर्म लेना है तो हम यहाँ व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने से यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, इसे डाउनलोड कर देंगे और इस तरह ये डाउनलोड हो रहा है और ये टीए फॉर्म डाउनलोड हो गया है। तो इसे हम लोग प्रिंट करके और इसे फॉर्म भर करके और हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें और भी बहुत कुछ है, आप जा करके इस साइट पे जा करके और अपना जो भी बेनिफिट लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। इस प्रकार हम लोग अपना जो पूरा फॉर्म है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसे भरेंगे और जैसा कि मैं बताया उसे अपने डिपो में, स्टेशन में अथवा डिविजनल ऑफिस में जमा करेंगे और जिससे उन पे कार्रवाई हो सके। मित्रों, मैं फिर से सोलापुर डिवीजन का एक आभार व्यक्त करता हूँ और मैं जो से सोलापुर डिवीजन के का जो IT सेल है उसे अनुरोध करूँगा कि इस साइट में बहुत चीज़ें हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं अथवा जो अपलोड करने की आवश्यकता है, तो वो इस पे ध्यान रखते हुए और इसे अगर और भी ज़्यादा अपडेट करते हैं तो इसका फ़ायदा ना केवल सोलापुर डिवीजन को बल्कि पूरे इंडियन रेलवे को इसका फ़ायदा होगा और इंडियन रेलवे के सारे कर्मचारी इस साइट से जो भी उनके फॉर्म्स हैं उसे डाउनलोड करके और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं वहाँ अपने सभी मित्रों से अनुरोध करूँगा कि अगर वो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हमारा और आपका जो संबंध है वो और प्रगाढ़ हो सके, ताकि हम लोग जो भी जिस विषय पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं, वो आपको डायरेक्ट आप तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। मित्रों, आप लोगों ने जो मेरा चैनल अभी तक देखा है, वीडियो देखा है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।